हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारियां नूं। पंजाबी डिक्टेशन स्पीड 80, दो अलग अलग पैरे, 200 शब्द पहला करांगे, 2 मिनट की ब्रेक तो बाद 200 शब्द फिर करांगे। होर भी डिक्टेशन करने दे लई चैनल नूं सबसक्राइब करो ते शेयर करो। डिक्टेशन शुरू करन तो पहला मैं एक गल तुहाडे नाल शेयर करनी चाहुंदा जी। इस वीडियो दे विच जो डिक्टेशन की पंजाबी प्रोवाइड की जाती है, ये जरूरी नहीं हैगा कि वह पंजाबी सही होवे। तुसी अपने आप ते भी कॉन्फिडेंस रहना वा कि मेरा ये शब्द सही आ, ठीक है जी। अगर तुहानू किसी शब्द दे विच मतभेद लगता वा, तुसी एक चंगे टीचर नाल तुसी उस शब्द बारे सलाह करो ते तुहानू जो सही लगता शब्द तुसी उसनू अपनाओ ते अपने आप ते कॉन्फिडेंस रहो, ठीक है जी। जरूरी नहीं हैगा कि जो पंजाबी प्रोवाइड की जाती है वह सही ही होवे, ठीक है जी। हाँ जी, रेडी हो तुसी? अज की डिक्टेशन आप करिए स्टार्ट। हाँ जी स्टार्ट। समा बड़ा बलवान है डंडी, वक्त दे गुजरन नाल समाज विच कई प्रकार दियां तब्दीलियां वेखण विच आउंदियां हन डंडी। इहना तब्दीलियां विचों मैं कुछ दसणियां चाहुंदा हां डंडी। भूत काल विच नाप तोल दे हिसाब अज नालों बिल्कुल वखरे सन डंडी। नापन वास्ते गज फुट आते इंच होंदे सन, जबकि वर्तमान समय अंदर किलोमीटर हैक्टोमीटर डेकामीटर आते मीटर तो इलावा छोटे छोटे नापा लई डेसीमीटर सेंटीमीटर अते मिलीमीटर हन डंडी। तोल करन वास्ते पुरातन समय विच मण सेर अते सटांका दा प्रयोग हुंदा सी, परंतु बहुत ही छोटे तोल सोना अते चांदी तोलन लई करन लई तोड़ा मासा अते रत्ती दियां इकाइयां सन डंडी। इस दे उल्ट हुण किलोग्राम हैक्टोग्राम डेकाग्राम अते ग्राम दे नाप हन डंडी। बहुत ही छोटे तोलां वास्ते डेसीग्राम सेंटीग्राम अते मिलीग्राम हन डंडी। पौ दे नाप लई बिग्गा कनाल घुम्मा अते सरहाली आदि दे यूनिटां दी ज्यादा वरतों कीती जांदी सी, परंतु अजोके समय विच ज़्यादातर हैक्टर एकड़ अते सरैंडंड एकड़ द्वारा धरती नापी जांदी है डंडी। इसे तरह सिक्के भी बदल गए हैं डंडी। पहला 1 रुपया 16 आनिया का हुंदा सी अते 1 आना 4 पैसिया का डंडी। पैसे तो हेठ तेला अते पाई दे सिक्के सन डंडी, परंतु हुण दे युग विच रुपए तो हेठा केवल पैसे दे सिक्के ही हन डंडी। स्टॉप। हाँ जी, तुहाडे 2 मिनट स्टार्ट हो चुके ने, इस पैरे नूं पढ़ो।
हाँ जी स्टॉप, अगले 200 शब्द कर दें। रेडियो जी? हाँ जी स्टार्ट। असी भारत दे लोग बड़े खुशकिस्मत हाँ डंडी, इस तरह महसूस हुंदा है जिस तरह कुदरत ने सानू अपनिया बख्शिशां नाल माला माल कर दिता होवे। डंडी, संसार विच मुश्किल नाल ही कोई ऐसा देश होवेगा जिस दे वसनीक इन्नी प्रकार दे मौसमां दा आनंद माणदे होणगे जिन्ना के भारत दे लोकां नूं नसीब है। डंडी, तकरीबन सारे यूरोप विच हमेशा बर्फ जम्मी रहिंदी है अते मुश्किल नाल ही सूरज वेखना नसीब हुंदा है। डंडी, सच्चाई एह है कि लोग धुप लई तरसदे हन। डंडी, पैरा इस दे उल्ट साडे देश खास करके उत्तरी भारत विच धरती दे सारे मौसम सुभिन्नता दी झलक विखाउंदियां होयां अगे लंघ जांदे हन। डंडी, सावन भादरों अर्थात जुलाई अते अगस्त विच काफी वर्खा हुंदी है। डंडी, इहना महीनियां विच निक्की निक्की बूंदा वांदी हुंदी रहिंदी है अते इस तरह लगदा है जिवें असी पहाड़ां दे वसनीक हाँ। डंडी, अस्सू अते कत्तक दे महीने विच गर्मी खत्म हो जांदी है अते सियाल दा मौसम आरंभ हो रहा हुंदा है। डंडी, मगर पो अते माघ अर्थात नवंबर दसंबर अते जनवरी विच सर्दियां दा मौसम अपने पूरे जोवन ते हुंदा है अते आम लोग गर्म सूटां विच वेखे जांदे हन। डंडी, फगण चेत अर्थात फरवरी अते मार्च विच मौसम बहार आ जांदा है। डंडी, हुण सर्दी खत्म हो जांदी है अते गर्मियां स्टॉप